नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम प्रेयर के साथ। नाउ फोल्ड योर हैंड्स। क्लास थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे साथ काम करेंगे। चलिए बुक ओपन करें। द टॉपिक इज वुडन बोट, पेज नंबर 17। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वुडन बोट आइसक्रीम स्पून पेस्टिंग। इस जगह पर हमको आइसक्रीम स्टिक से उनकी पेस्टिंग करनी है और इस बोट को हमको तैयार करना है। पर उससे पहले हम ये जानें कि क्या सचमुच वुडन की या फिर किसी और चीज़ की क्या नाव होती हैं, क्या बोट होती हैं। हाँ बच्चों, होती हैं। बांस की स्पेशल नाव बनाई जाती है जो आराम से पानी पर तैर सकती है और बहुत ही अच्छी तरीके से तैरती है और लोग उस पर खूब काम भी करते हैं। बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत होगी। एक तो देख ही रहे हैं हम लोग आइसक्रीम स्टिक्स, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है, और कलर्ड पेपर, फेविकोल और फ्लैग बनाया है। तो फ्लैग के लिए कुछ कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपको मटेरियल दिखाती हूँ बेटा। मटेरियल देखिए, आइसक्रीम स्टिक्स हो गई जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ स्केच पेन, कलर्स स्केच, कलर्ड स्केच पेन हो गए, और वाटर के लिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ बोट है तो बोट कहाँ होगी, पानी में होगी, तो हमको यहाँ पर पानी भी शो करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, ये जो हमारी वुडन स्टिक्स हैं, है ना, छोटी छोटी, इनको हमको इसके बराबर तैयार पहले करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन्हीं की तैयारी करते हैं। और उससे पहले यहाँ पर इस जगह पर, वाटर वाली जगह पर, हम कलर कर देते हैं। तो ब्लू कलर का यूज़ करना है हमें। तो देखिए, कलर को पकड़ने का तरीका देखिए, पहले क्या है, किस तरीके से हमें कलर पकड़ना है और इसको चलाना है। एक साथ आप चलाइए, ये देखिए कितना अच्छा इफ़ेक्ट आएगा इस तरीके से। ये आप मेरे साथ साथ तैयार करिए। बच्चों, यहाँ पर हमने इस पूरी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर ली है। ये देखिए, सारी स्टिक्स को जिस तरह से हमें स्टिक्स चाहिए हैं, इसमें, इस पूरी एक्टिविटी में हमें चाहिए हैं, वो सारा हमने इनको तैयार कर लिया है। अब हमें पेस्ट करना है। तो किस तरीके से पेस्ट करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक पेपर पेस्ट कर लिया। आपके पास जो भी कलर्ड पेपर है बच्चों, आप उसको पेस्ट कर लेंगे। आगे यहाँ पर किस तरीके से स्टिक्स को पेस्ट करना है, आप मेरे साथ साथ बराबर इस सैंपल के अकॉर्डिंग
पेस्टिंग करते चलेंगे। सबसे पहले इस जगह पर हम फेविकोल अप्लाई करेंगे और बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, आप बहुत ही आराम से इस काम को बच्चों कर सकते हैंगे। ये लीजिए, ये पेस्टिंग कर दी यहाँ पर। इसके बाद एक छोटा सा पीस यहाँ पर हमने सेट कर दिया और फिर यहाँ पर बहुत ही हल्का हल्का सा फेविकोल लगाएंगे। इसके बाद ये हमारा फ्लैग, और इस तरीके से बच्चों आप आगे काम को करते चलिए बराबर। जैसा कि यहाँ पर सैंपल में बताया है, इस तरह से आप बराबर करते चलिए बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी ये वुडन आइसक्रीम स्टिक्स पेस्ट करेंगे। देख ही रहे हैं, बहुत थोड़े से फेविकोल की ज़रूरत है, ज़्यादा फेविकोल की ज़रूरत नहीं है। और ये पेस्ट कर दिया, हल्का सा इसको पुश कर देंगे। उसके बाद इस लास्ट वाली पर बहुत थोड़ा सा फेविकोल हम लगाएंगे, और लगाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो बेटा ये वुडन वोट आइसक्रीम स्पून पेस्टिंग का ये हमारा काम यहाँ पर पूरा हुआ। इतना ही अच्छा सा आप बना करके आप हमें देंगे, और इसकी पिक्स देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए प्यारे बच्चों टाटा बाय, फिर मिलते हैं।